पिछले क्लास में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े थे और देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है हम लोग टॉर्क पढ़ पाते हैं नहीं, लेकिन यदि टॉर्क का थोड़ा बहुत भी आइडिया यदि आपके पास रहेगा और एंगुलर मोमेंटम का, तो जो मेन रोल प्ले होता है जो अक्सर दिक्कत करता है वो मोमेंट इनर्शिया से ही ले नहीं पाते, वो तो चल ही रहा है। फिर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। इसको समझने की कोशिश बाद में करेंगे, पहले फंडामेंटली इसको डिराइव कर लेते हैं ना, पहले फंडामेंटली इसको डिराइव कर लेते हैं। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास से कितनी एक्सिस पास होती है, हो सकती है इनफाइनाइट। सेंटर ऑफ मास से इनफाइनाइट एक्सिस पास हो सकती है और कुछ सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सब अलग ही होगी। तो उससे पैरेलल, तो इसका नाम आईसीएम रखते हैं। सो आईसीएम का मतलब है ऐसा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, पर वो किसी एक्सिस के अबाउट होगा तो उसके पैरेलल डी डिस्टेंस पे जो एक्सिस है, पैरेलल नाम है इसका। तो सेंटर ऑफ मास के से पास करने वाली एक्सिस ऐसे ये भी है, तो ये भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, ये भी सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए और जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके पैरेलल कितने एक्सिस हो सकती है, उसके पैरेलल तो सबके अबाउट बहुत आसानी से निकाल सकता है यदि हम लोग आईसीएम जानते हो तो उसी को यूज करते हैं। तो बात इस और इसकी सेंटर मास के पॉइंट की नहीं है, इस एक्सिस की, इसलिए पॉइंट है कि बात सेंटर मास वाले पॉइंट की नहीं है, क्योंकि सेंटर मास एक पॉइंट होता है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पॉइंट से मतलब नहीं है, उससे पास करने वाले एक्सिस से मतलब है। यही कारण है कि अब हम डीएम मास ले जा रहे हैं, छोटा सा डीएम मास ले जा रहे हैं। तो मान लेते हैं इस एक्सिस से जो पास कर रहा है, इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर बात हुई, इसलिए मैं यहां के बजाय मैं यहां बना रहा हूं, ये भी ध्यान देना है। ये देखो मैं ऐसे बना रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस तो सेंटर, जैसे मान लो ये बॉडी है ऐसे ना, और ये सेंटर मास से पास करते हुए एक्सिस है, और अजीब सा शेप 3D बॉडी है ऐसा, ये सेंटर मास से पास करता हुआ एक्सिस है। तो सेंटर मास तो यहाँ पे है और कोई मास तुम यहाँ पे लिए हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना, सेंटर मास ऐसे थोड़ी बनाना है, सेंटर मास से लाइन थोड़ी खींचोगे, एक्सिस से दूरी चाहिए ना तुम्हें, तो इसीलिए मैं थोड़ा अलग बनाया और कहा कि ये है आर आई सेंटर मास के रिस्पेक्ट और सेंटर मास के रिस्पेक्ट में नहीं, इस एक्सिस के एक्सिस से आर आई है। तो ये पॉइंट है। दूसरा हम लोग ध्यान देना है कि एक इसका नाम रख देते हैं जो पोजीशन है वो है डी, तो डी है या डी वेक्टर लिख देते हैं, डी वेक्टर। ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट ये है कि ये जो वेक्टर
वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, पैरेलल लाइन है, तो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, तो जो तीसरा बनाया है ना, तीनों एक प्लेन में और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी है, ये देखो ये है r वेक्टर, so this b वेक्टर plus r i वेक्टर is equal to r वेक्टर और ये d भी परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, कई लोग उसके बाद सोचते हैं कि सब दोनों कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, तो किसी एक्सिस से देखो ये भी परपेंडिकुलर होता है और देखो ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर है और उसी प्लेन में ये है, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा तो नीचे हमें शिफ्ट करना होगा, यहाँ से बनाना होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। भाई ऐसा नहीं कि this is d and this is r, no, shift करिए, this is d, दूसरा ऐसे, तो ये करना, मैं तो कम, अच्छा एक और चीज बता दूं कि भले ही मैं प्रूव कर रहा हूं ताकि जो मैं अक्सर बोलता हूं कि साइंस पढ़ाता हूं मैं, दिमाग में नहीं रहता कि आईटी निकलेगा कि नहीं, तो वो बता दूं तो फिर आईटी वाला भी बता दूंगा ना, तो जरूरी है कि ये भी जान रहे, नहीं तो आईटी तो तब भी निकलता है जब इसका प्रूफ ना है, क्योंकि कहीं प्रूफ करने को नहीं आएगा और एप्लीकेशन बिना प्रूफ के हो जाता है, तो एप्लीकेशन से आईटी निकलता है और सब कुछ जानने से साइंस पता चलता है, तो क्या जानना चाहते हैं? साइंस, 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 जो आईटी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो पढ़े हुए हैं वही बहुत है, अभी इसमें भी आधे होने वाले हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि जो पढ़े हैं वही बहुत है, वही आ जाए हमको तो वही बहुत है, लेकिन सच ये है कि जो ये जो पढ़ रहे हो सकता है इसमें थोड़ा आसान आ जाए और जो पढ़े हुए कुछ भी कर ले आ ही ना, क्योंकि सब वहाँ है, तो ये देखो इसके अबाउट, यदि इसके अबाउट आई मान लें, आई तो आई निकालने जा रहा हूँ, देखो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो सिंपल सी बात है डी आई, डी आई दैट इज व्हाट डी आई, सो डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर सही लिखा होगा, दूरी याद कर लेता हूं, ये मास है, अजीब सा पूरा सॉरी बॉडी है, तो उसमें से ये डी है और इसी प्लेन में डी उसी प्लेन में, यदि कहते सर नीचे भी तो मास है तो फिर नीचे से मैं बनाऊ यहां से और एक प्लेन मिलेगा, तो डी है प्लस दिस, सो दिस दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस आर, डी एम आई इसलिए कि बहुत सारे इस तरह के हैं, बताओ आर को क्या लिखूं, डी वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर, ठीक लिखा होगा तो डी वेक्टर प्लस आर आई डॉट डी वेक्टर प्लस आर आई, कोई मॉड स्क्वायर नहीं है, मैं इसलिए कर दिया था कि और आसानी से दिख सके आपको, यदि हम इसको ब्रेक करेंगे ना यहाँ पे तो मिलेगा डी एम आई, और क्योंकि डी वेक्टर डी वेक्टर स्क्वायर तो डी ही स्क्वायर होगा, डॉट प्रोडक्ट है, या इसका मतलब ही वही है, तो डी स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर प्लस टू डी वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर, समझ में आ रहा है? अच्छा सब इसका अलग ही देखिए,
स्केलर ये था मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो ये भी वही है स्केलर ये है डी कांस्टेंट है फिर इसको देखेंगे हम लोग फिर इसको देखेंगे अलग से तो जल्दी से लिख लो फिर से मैं यहां पे लिखूंगा चलो नीचे भी जगह तो लिख देता हूं तो वहां पे डी एम आई डी स्क्वायर प्लस डी एम आई आर आई स्क्वायर प्लस डी एम डी डॉट आर आई वेक्टर क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसी का फायदा मिलता है देखो ना
दिस इज थीटा, बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है ना। तो जब इनका सम करोगे ना, ये जो सम करोगे तो पता है ये डी एम आई आर आई ये पोजीशन वेक्टर टाइप का, और नीचे समेशन ऑफ डी एन करोगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और खास कर सी एक्सिस पे आ जाएगा यदि एक्सिस से लेंगे एग्जैक्टली ये सेंटर ऑफ मास नहीं, मतलब इस वैल्यू जो 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 प्लेन लेंगे तो इसी पे शिफ्ट होगा, जो जो प्लेन लेंगे हर प्लेन के लिए शिफ्टेड इसी पे रहेगा, जो भी एरिया लेंगे सर वो टू टू आ गया, अच्छा टू छूट गया यार, अरे टू ये सर जीरो में जा रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, मास इनटू डिस्टेंस विद साइन है, साइन कौन देगा, कॉस थीटा साइन के साथ है। तो इस तरह से वैल्यू आनी है कि ये इसका पोजीशन कहां पे आएगा, उसी एक्सिस पे आता रहेगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और प्रूव हो जाएगा ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है हर हर एरिया के लिए, सेक्शन के लिए जिसमें हम लोग एरिया ये ले रहे हैं, तो उस वाले एरिया में उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन उस सेक्शन का कितने एरिया होंगे फाइनाइट, और सबका इसी एक्सिस पे चलता चला जाएगा, सबका जीरो जीरो आता रहेगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। बहुत सारे किताब थोड़ा लंबा भी कर दिए हैं एक्स वाई जेड सब मान के, तो हमें लगा कि यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बिना एक्स वाई जेड ऐसे मान है तो थोड़ा सा कठिन होता है इसको समझना कि ये रियली में जीरो वैल्यू है, और लास्ट में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसका जब रिजल्ट आ गया तो इंटरप्रिटेशन देखो, रिजल्ट आ गया तो इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो साइज है ना सेंटर मास, तो सेंटर मास वाले एक्सिस, इस एक्सिस जो सेंटर मास से पास कर रहा है उसी के उस एक्सिस के बहुत अच्छा, हमने पिछले क्लास में याद हो रहा कि एक्सिस ऑफ मेकिंग, एक्सिस ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन ऐसे क्यों हो रहा, एक्सिस ऑफ जनरेशन होता है, जनरेट करना कोई रिंग या डिस्क या ऐसे, तो बाहर में पे आ रहा है, तो एनीवे सो इस एक्सिस के ऊपर जनरेट कर रहे हैं कोई रिंग या कोई सिमेट्री को लेके, फिलहाल इसमें एक्सिस ऑफ जनरेशन का कोई मतलब नहीं, जहां पे सिमेट्री होती है वहां पे एक्सिस ऑफ जनरेशन की बात करते हैं। तो इस एक्सिस के ऊपर जो बल्क है ना साइज, वो सब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें आ गया है, तो साइज का इफेक्ट इसी में आ गया है, तो वो आईसीएम है, और उसको अब कहां मान लो किसी एक्सिस के लिए साइज का तो इफेक्ट आ ही गया है, तो अब उसको पॉइंट मास मान लो और ऐड कर लो, तो आईसीएम प्लस एमटी स्क्वायर। मतलब ये देखो ऐसे, यदि मैं इसको कंप्रेस करके यहीं पे कर दूं तो ये वाला क्या हो जाएगा जीरो, पर ये रह जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कर रहा है कि बल्क करिए बड़ा करिए छोटा करिए तो सब इसी में प्रभाव आ रहा है, तो अलग अलग इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, चाहे ऐसे उल्टा कर लेते हैं, अभी मैं उधर से इधर आया हूं बल्कि उल्टा कर लेते हैं, इस आई से इस एक्सिस से एक पॉइंट मास यहां पे है, तो बताओ कितना कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद टेंडिस पर, यदि यहां से पॉइंट मास डी दूरी पे है तो उसका उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टेंडिस पर, अब उसको उसको बढ़ा दो बल्क कर दो तो इसी एक्सिस के बाद होगा, पर सरप्राइज हो रहा होगा थोड़ा सा कि ये उसके अबाउट कैसे बार बार आ जा रहा है, तो उसी के एक्सप्रेशन उसी के लिए मैं प्रूव किया था कि ये वाला वैल्यू जीरो होने लगता है ये वाला। अब वहां पे आते हैं यूज करने के नाम पे, तो ध्यान से सुनो बहुत छोटा सा स्टेप कि, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये हर जगह के लिए सही है, हर बॉडी के लिए, हर टाइप के बॉडी के लिए, तो कैसे सोचेंगे किसी के अबाउट कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, किसी भी क्वेश्चन में होता है जहां जरूरत है चाहे एक मोमेंट जरूरत हो किसी और टॉर्क के लिए, मोमेंटम के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, कुछ और के लिए, वहां तो करना ही, बहुत सारा क्वेश्चन तो केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आता है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के अबाउट कोई पूछे तो तुम एक काम करना, जिसके अबाउट पूछे पैरेलल एक लाइन खींच देना, कहां से पास करता हुआ सेंटर ऑफ मास से। इसके अबाउट पूछे तो सेंटर ऑफ मास पैरेलल खींच लेना सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, और उसके अबाउट निकाल के फिर शिफ्ट हो जाना, लौट जाना वहां पे जिसके अबाउट पूछा है। याद रहेगा? यस सर। क्या करना है, किसके अबाउट पूछे तो क्या करोगे? पैरेलल एक लाइन खींचोगे। किसके पास? जिसके अबाउट पूछा है। किसके अबाउट पूछा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे खींच दो, कोई कारण नहीं। इसके अबाउट बताइए तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हूं खींचना, कोई कहेगा इसके अबाउट बताइए तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हूं पैरेलल, पैरेलल लाइन खींचना है उसके, और कहां से पास होता हुआ सेंटर ऑफ मास। और फिर अगला स्टेप, उस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एक्सिस उसके अबाउट निकाल लेना, फिर लौट जाना कहां पे क्या जोड़ते हुए एमडी स्क्वायर, क्या जोड़ते हुए एमडी स्क्वायर। तो ये पहले यहाँ पे पहुंच जाना, ये निकाल लेना, फिर लौट जाना जिसके बाद पूछा है एमडी स्क्वायर जोड़ते हुए, हर जगह मिलता है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो करें क्वेश्चन, ये लिख लो, ये लोग बचा हुए थी आपके पास। ये फाइनली जो करना है, क्योंकि ये प्रूफ तो नहीं है ना, करने वाला पार्ट आएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी मैं आपको बता दिया कि कैसे हम लोग पॉइंट मास को बल्क जाउट कर दें, बड़ा बनाते हैं। अच्छा, ये उल्टा भी सोचे कि इसको हम लोग आईसीएम निकाल देते हैं जिसमें पूरा इसके साइज का इफेक्ट आ चुका है, और फिर इसको कंप्रेस करके कहां पे करते हैं पॉइंट मास बना दो, है ना। तो इसका जो प्रभाव किस तरीके से दो पार्ट में दिख रहा है वो मैं आपको बताया। देखिए, क्वेश्चन से करते हैं ज्यादा चलेगा, क्वेश्चन इससे करो तो फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कमा डिस्क कमा हॉल स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क हॉल स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर अबाउट देयर टेंजेंट, About their tangent axis, about their tangent axis, करिए। इसको ऐसे भी लिख लो, सब applicable for what? All type of bodies. इसमें कोई कंडीशन नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की तरह कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन है? बॉडी के स्टेप साइज का तो नहीं है, डायमेंशन का तो नहीं है, कंडीशन केवल क्या है? जो आई निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम से, तो उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर मास से पास करे उसी से पैरेलल कंडीशन है, किसी एक्सिस से कहीं और शिफ्ट मत हो जाना, केवल आईसीएम आईसीएम से शिफ्ट हो सकते हैं, आईसीएम से केवल शिफ्ट हो सकते हैं आप। निकाले आया रिंग आ गया, ये देखिए रिंग, इसके और बताना है, एक टेंजेंट है इसके और बताना है, तो इसके बाद बताना है तो क्या करना है बताओ,
आपको याद है क्या करना है? यस सर। अच्छा, पर कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि सर ये रिंग है तो टेंजेंट ये भी है, टेंजेंट ये भी है, टेंजेंट ये भी है, तो ऐसा लग रहा है कि स्पर्शीय रेखा तो ये सब लग रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग उसी प्लेन में लेते हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि इसके अबाउट बताइए। तो क्या करना होगा हमें इसके अबाउट पाना है, तो मुझे मैं अभी स्टेप आपको बताया था वही मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा एक्सिस खींचूंगा जो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से, और पैरेलल किसके होगा, मतलब ऐसे है तो पैरेलल लाइन ऐसे, ऐसे है तो पैरेलल लाइन ऐसे, इस टाइप का। ये आईसीएम। अच्छा हाँ, जो मैं वो बताना भूल गया, मैं क्वेश्चन ऐसा लिखा है जिसमें रेडियस और मास नहीं दिया, तो अपने चीज अपने से मानना था, मास एम है, यूनिफॉर्म है और रेडियस आर। तो ये आईसीएम है, तो आई निकाले, आईसीएम प्लस एम टी स्क्वायर ना फॉर्मूला। तो इसके अबाउट हम जानते हैं कि नहीं बताओ, इसके अबाउट होता है परपेंडिकुलर एक्सिस की दूरी का, तो इसके अबाउट होता है एम आई स्क्वायर, तो डायमीटर के अबाउट आधा हो जाता है, याद है? यस सर। तो बताओ आईसीएम कितना, एम आई स्क्वायर बाई टू प्लस एम आई स्क्वायर कितना हुआ, 3.2 एम आई स्क्वायर। ये रिंग, और इस पर नहीं, ये रिंग मान लेते हैं,
अच्छा सॉलिड स्क्वायर तो निकाल लोगे ना, सॉलिड स्क्वायर का कितना होगा टेंजेंट के बाद 7/5 हां। तो चलिए बोला आपने से निकाल लीजिएगा। अब हमको ये बता दीजिए इसको भी मिटा देता हूं और मैं बात करता हूं ये रिंग है तो रिंग लिख देता हूं मैं। आई एक्स बताओ कितना लिखूं, आई वाई बताओ कितना है, आई वाई बताओ कितना है, एम आर बाय टू, आई एक्स बताओ थ्री बाई टू एम आर, और आई जेड बताओ क्या करना होगा। यदि आपको इसके अबाउट पाना है तो पैरेलली कहां पे जाना होगा, सेंटर मास पे, कितना होता है इसके बारे में एमआर बार, और फिर लौट जाते हैं जहां पूछा है, तो यहां पे कितना आर प्लस आईसीएम एमआर स्क्वायर आईसीएम प्लस एमबी स्क्वायर हो गया 2mr। तो वो यदि उसके अबाउट मैं मार दूं ऐसे नाचने लगे पूरा ऐसे पूरा इसके अबाउट पूरा रिंग ऐसे मार दूं तो ऐसे घूमने लगे, अब पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर है 1/2 i ओमेगा² फिर i इज हाउ मच एरिया है। तो सोचिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी जरूरत है, यदि आपको नहीं मालूम है फिर ये गलत लिख दिए, रटा हुआ लिख दिए कि रिंग का तो एमआर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे एमआर स्क्वायर नहीं चलेगा ठीक है, तो यहाँ पे निकला था जिम हाथ ये अब घूम रहा है ऐसे, भाई रिंग ऐसे घूमेगा तब ना एमआर स्क्वायर लिखोगे, ऐसे घूमेगा तो उसको भी एमआर स्क्वायर लिखो नहीं लिखो, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा इसके अबाउट बता सकते हैं क्या, आर बाई टू दूरी पे बताइए, अच्छा यहाँ पे दो पॉइंट बांध दिए, अच्छा कैसे है ये कैसा है वो बता देता हूँ, ये देखो रिंग है थोड़ा सा ऊपर है ऐसे और इसको मार दिए ऐसे घूमे ऐसे इसको मार दे, तो जल्दी से बताइए कितना, तो क्या करना होगा आपको पैरेलल यहाँ पे जाना होगा ये ना, जिसके अबाउट पूछा है पैरेलल ही कहाँ पे जाना होगा, तो सेंटर मास से पास कर या फिर लौट जाना, तो क्या लिखूं बताओ, ऐसे एक ये बो आई ए ए आई सी बताओ कितना लिखूं, ए मार्च स्क्वायर भाई प्लस एम डी स्क्वायर ना कितना भी समझ ना, अच्छा मान लो रिंग ऐसे है तो देखो ऐसे रिंग ऐसे है यहाँ पे और एक मासलेस रॉड इसमें से ऐसे कर लिया हूँ ना, रिंग ऐसे है यहाँ पर और एक मासलेस रॉड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, बताना है कि इसको ऐसे मारना तो ऐसे घूमेगा और ऐसे मारना तो ऐसे ऐसे करेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं, एक तो प्लेन के ऊपर पेपर से मार दूं तो ऐसे ऐसे कर लेगा, इधर से साइड से मार दूं तो ऐसे ऐसे करेगा, दोनों के लिए अलग अलग मोमेंट अपने देखता हूँ कि आप लोग अब निकाल पाते हैं, देखो जिन की तरफ चलते हैं ये है रिंग में ये मास m है रेडियस r है और ये मासलेस रॉड है ना, आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ये x है ये y है और ये z है ना, तो जल्दी से मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड है और लेंथ l ना, जल्दी करो आप ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आई वाई आई जेड जल्दी अच्छा ना मासिव रॉड होता है फिर उसका भी लिख लेते हैं, ये करते हैं नया क्या करते हैं, अच्छा x के अबाउट होगा तो यदि x के अबाउट निकला तो किसके लिए निकला होगा, इसके लिए ऐसे ऐसे तब नेक्स्ट इसी होगा, अच्छा ये वाला किसके लिए होगी, ये वाला हमारा कैसे चेंज करो,
किसके अबव? जो प्लेन ऑफ मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। जो प्लेन ऑफ मोशन होता है, प्लेन ऑफ मोशन ये है तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस माना जाता है। ये सब नोटिस करिएगा। जब इसे ये भी जाना जरूरी था कि जो एक्स निकाल रहे हो उसके उसके लिए कौन सा वाला मोशन हो रहा है जिसके लिए यूज करोगे, पता लगा कि आपको यूज ही नहीं करना है। आइए एक्स निकाल दिए, यस सर, क्या करना है बताओ? एमआर किसके अबव निकालना है? पैरेलल यहां पे याद है ना? जो एक्सिस के अबव निकालना है पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ खींचिए और उसको निकाल के फिर लौट जाइए जिसके बॉर्ड निकालना है। तो आईसीएम कितना लिख बताओ? एमआर स्क्वायर बाई टू प्लस एमबी स्क्वायर ना, एमबी स्क्वायर से एमबी प्लस आई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जल्दी से आई वाई बता दीजिए। इंटरेस्टिंग है आई वाई। अच्छा आई वाई के बॉर्ड कैसा मोशन होगा, किसके लिए आई वाई यूज करोगे बताओ? This is axis ना? तो ऐसे ना? ये वाला भी मतलब ऐसा ना कि axis ही ना पहचान पाए कैसा मोशन के लिए कहाँ पे क्या यूज़ करना। तो इस axis के और पूरा बॉडी ऐसे घूमेगा ना यार, इमेजिन कर पा रहे हैं? और रॉड पर ज्यादा कोई मतलब नहीं, किस बात का रॉड भाई? डायमीटर। तो आई वाई क्या है बताओ? देख रहे हैं ना? एमआर स्क्वायर बाई टू। जल्दी से आई चेक बताइए। This is z, the parallel चलते हैं center of mass पे। ICM कितना हो बताओ? MR square, ICM plus MT square, जल्दी बताओ। हाँ? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखता हूँ कितने लोग आप बता पाते हैं। ये रहा mass capital। चलो जल्दी से करो, तो फिर से आई एक्स आई वाई आई जे, जल्दी करो। मासिव रॉड है और इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये तो अब सही नहीं पर बताना है वही आई एक्स आई वाई आई जे, जल्दी करो। और रियल लाइफ का है, अपने रियल लाइफ में इस तरह की बॉडीज दिखती हैं। घंटा यार, घंटी नहीं करते हो? यस पूजा कम करते हैं, भीख मांगने ज्यादा होते हैं, पूजा के भीख मांगते हैं सर, मेहनत नहीं करना चाहते। भगवान आईटी निकाल दीजिए, निकलवा दीजिए, मेहनत कर पता निकलेगा। भगवान थोड़ी उनको फिजिक्स फिजिक्स आती नहीं है उनको। हनुमान जी तो फिजिक्स फेल करते हैं, उठते थे ग्रेविटी के ग्रेविटी छोड़ छाड़ पता नहीं ग्रेविटी कहाँ लगा था, कोई कोई ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, पहले ये सब ना उड़ रहे। आई वाई सेम रहेगा और आई एक्स पर आई एक्स में एमएल स्क्वायर बाय थ्री प्लस हो जाएगा। इतना बढ़िया चुटकुला बोला तुम सिर्फ कर दिए, कर तो हंस भी लिया करो। बाकी के लिए है तो करते हैं, कर लिया आप लोग? आप लोग से गलतियां क्या हो सकती है वो बता देता हूँ। कई लोग सेंटर ऑफ मास निकालने लगे होंगे और गलत कर रहे हैं। तो आज नया इससे क्या इस स्ट्रक्चर से क्या सीखो, सीखो ये कि हर जगह पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं। हालांकि सही है, उससे करोगे तो भी आएगा, लंबा हो जाएगा। करना ये है, एडिटिव होता है, स्टैंडर्ड सम होता है, इसीलिए टेंशन कहीं कोई ना कोई डिफरेंस जरूरी है। और एडिशन स्केलर की तरह होता है, इसीलिए इसको टेंशन भी कहा गया है।
मतलब स्कैलर में तो होता है ना कि पैरामीटर पर जैसे मान लिया गया केजी का एम्पियर का इस सब का एम्पियर तो मान लिया टेंसर उसमें भी है किसी चीज का डिफरेंस मान लिया तो परमानेंट हो जाता है इसे और बाय डिफॉल्ट हम लोग पोटेंशियल का भी इनफाइनाइट भी जीरो मानते हैं जब तक चीजें ना हो तो कई बार बाय डिफॉल्ट भी ना होता है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डिफॉल्ट है ही नहीं आपको बदलता हुआ नजर आएगा ये देखिए इसीलिए यही रीजन है कि स्कैलर सम होता है पर बिना डिफरेंस के ये डिफाइन है इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन चला गया तो एक तो ये पॉइंट है टेंशन होने का रीजन बता रहा हूं आज ज्यादा समझ में आएगा तो सिंपल सा एडिशन है इसका मतलब यह कि दोनों का मिला के सेंट्रल मास मत निकालिए अलग अलग लिखिए सर कहा जगह तो लिखते हैं तब तो डॉट का बताइए इसके बाद क्या लिखिए m is square by 12 m is square by 3 एक एट के बाद ना इसके बाद ना m is square by 12 होता है तो इसके बाद कितना होता है एक एट के बाद कितना होता है m is square by 3 अब प्लस अच्छा हाँ ये रॉड वाला है इसे क्या सीखना है हम लोग कहीं पे भी अलग अलग लिख सकते हैं ये सीखना है इसे तो बताओ रिंग का अलग से लिखते हैं तो बताओ इसको एक हो गया ना इसको भूल जाओगा इसके आईएक्स के और रिंग का तो पैरेलल एक लाइन खींचो और कंबाइंड सेंट्रल मास पे नहीं इसका अपना उसका हो चुका है रॉड का तो बताओ आईसीएम कितना तो क्या इसी तरीके से जेड भी लिख लोगे लिखो जेड जल्दी से जेड लिखो आई वाई क्या है आई वाई जरूरत है क्यों बताओ तो रॉड के लेंथ के अलावा ही जीरो होता है ऐसे देखो ना तुम्हें अच्छा लगेगा मैं कहूँ कि इस रॉड का ये रॉड तुम्हारे सामने है यदि ये रॉड का इसके रॉड कितना है बताओ ये देखो एक्सिस ये है तो बताओ कितना इस मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ m is square by 12 अच्छा इसके लिए बताओ m is square by 3 अच्छा इसके लिए बताओ इसके लिए 0 इसके लिए 0 ये ना एक्सिस 0 है अच्छा इसके लिए बताओ एक्सिस ये है एक्सिस ये एमपी स्क्वायर मान लीजिए जो भी है डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस देखो आर दूरी पे देखो सारा दूरी आर दूरी पे समझ आ रहा अच्छा इसके बाद बताओ इसके बाद ए ए एक्सिस ये है एक्सिस ये अच्छा एक और इफेक्ट बता देता हूँ आपको अच्छा लगेगा देखो इस रॉड का ऐसे ऐसे इसका जानते हो क्या है इसका दोनों में अंतर है देखो ये और ये दोनों में अंतर दिख रहा है क्या अंतर ये वाला ट्रांसलेशनल मोशन था केवल सेंटर की दूरी लेके एमबी स्क्वायर ये जो जो पैरेलल एक्सिस थ्री में लगाते हैं ना इसके लिए पूरा मोशन पूरा सब सबका एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर रोटेशन सेम बचे सबका इसलिए तुम्हें सेम लग रहा है ऐसे गड़बड़ है एंगुलर वेलोसिटी सेम होना चाहिए और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होना चाहिए तब वो पैरेलल एक्सिस थ्री में लगेगा देखो ऐसा रहेगा तब ना पूरा रोटेशन मान जाएगा ये पूरा रोटेशन थोड़ी है ये इसमें तो सबकी वेलोसिटी सेम है देखो इसमें सबकी वेलोसिटी सेम और ये और जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो पॉइंट मास मानना चाहिए क्या मास इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम डी स्क्वायर कौन सा दूरी रहेगा सेंटर मास ध्यान रखना इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईटी में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे बोला तो जेड वाला लिखा जाएगा
ये तो जीरो हो गया, रॉड का तो जीरो है, ऐसे घूमना था रिंग को, ऐसे घूमना था और रॉड तो बेकार हो गया, तो वैसे है एम आर स्क्वायर कितना वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू जे वैल्यू बताओ तो क्या लिखे बताओ रॉड का रॉड का क्या स्मॉल आ रहा है, हालांकि आप देखिए तो ठीक है क्योंकि उसको तेल दिया था मैं, हमें लगा कि आप समझ गए होगा। चलिए देखता हूं कि अब आप लोग बता पाते कि नहीं, थोड़ा सा कठिन दे रहा हूं आप लोगों को। तीनों सॉलिड स्फीयर है, एम आर एम आर एम आर सॉलिड स्फीयर, ऑल आर छोड़ सॉलिड स्फीयर। आपको बताना है एक्स आई एक्स आई बाई आई जे आई एक्स आई बाई आई जे लोहे के सब है, ये स्फीयर है और ये वेल्डेड है ना, वेल्डिंग है कि पूरे शेप पे भी इसके अबाउट ऐसे घुमाया जाए, देखो ऐसे एक्स के अबाउट पूरे शेप को घुमाया जाए तो I क्या लेंगे, Z के अबाउट घुमाया जाए पूरे शेप को तो I क्या लेंगे, और Z के अबाउट Y के अबाउट घुमाया तो क्या लेंगे, और Z के अबाउट इसके अबाउट तो I क्या लेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ज्यादा कुछ ऐसे गलत हो जाता है जबकि मैं बता चुका हूं, अच्छा जो बताया हूं वही मैं लगाऊंगा, जो मैं आपको बताया हूं लगाऊंगा मैं वही, आपसे आप लोगों से गलतियां हो जाती है, करो जरा देखो तो पहले तो सेंटर ऑफ मास मत निकालना, सबका अलग अलग लिखो, ये अभी सिखाया था सॉलिड स्फीयर है और सभी सिमिलर, सभी का मास सेम है और रेडियस आर है, और जल्दी निकालो आधे मिनट में कम से कम आइए निकाल के बताओ। 16/5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू डी बॉडीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि आई एक्स आई वाई जोड़ दी फटाक से मार दिया, ठीक है ऑफर भी दिया था उसने, जरूर दिया था, तो ये 3D बॉडी है, 2D तो है नहीं। अच्छा ये सभी डिस्क होते तो या रिंग होते तो सही होता, ये देखो ये रिंग या डिस्क होते तो सही हो जाता, आई एक्स और आई वाई जोड़े तो आई जेड मिल जाता, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बता दिया, जल्दी से आइए इसे निकालो सभी लोग। 21/5/5/23 मैं इधर कैलकुलेशन ही थोड़ा पड़ा हो रहा होगा, डिग्री नहीं
नहीं बदलेगी ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा तेज करता है ना जल्दी से, स्पीड में तो मैटर करता है सिलेक्शन के लिए। चलो आइए इसमें बताता हूँ कितने लोग आइए आ गया, आ गया पांच छह सात लोग, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे। चलो मैं बताता हूँ तो ये तो इस वाले स्फीयर का एक्स के अबाउट और इसका भी सेम है ना, तो कितना है डायमीटर तो यही होता है ना, आई टू टू क्यों करना बताओ, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए दोनों का सेम मिल गया एक्स के अबाउट, लेकिन इसका भी तो लेना है, तो क्या करना भाई देखो हमें इसके अबाउट इसका लिखना है, दो का तो लिख चुका हूं, प्लान कर बढ़िया से, तो इसी के पैरेलल एक सेंट्रल मास पर लाइन खींचो ना, सेंट्रल मास पर, सेंट्रल मास से पास होता हुआ एक लाइन खींचो और उसको कहो आईसीएम है, बताओ आईसीएम क्या लिखूं बताओ, 2/5 a r स्क्वायर ठीक लिखा हूं देखो भाई, किसी सॉलिड स्फीयर का सेंटर से पास करता हुआ सब सेम ही होता है, रिंग और डिस्क की तरह थोड़ी होता है वो, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का सारा एक से सेम होता है, असल डायमीटर ही होता है, तो ये लिखा हूं आईसीएम लिखा हूं, अब फिर मैं लौटना चाहता हूं एमटी स्क्वायर ऐड कर देंगे 4 mr2 ये देखो ये r है, ये r है तो ये 2r है और दूरी ये है और ये 60 डिग्री है, ये 2r है, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2r है और दूरी ये है, दूरी मतलब 2r sin 60 कितना है देखो 2r sin 60 है, दूरी 2r sin 60 कितना हुआ √3r, कितना दूरी है √3r, दूरी जो गलती हो सकता था वहां से, प्लस mt स्क्वायर बताओ कितना है, इसको लिख लो तुम लोग आंसर कितना है बताओ, जोड़ो इसी से जोड़ो 21/5 दो थ्योरी थी, एक तो अलग अलग लिखने वाली थ्योरी है और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना, यही ना है थ्योरी, अलग अलग लिखने वाली जो थ्योरी पार्ट था आई वाई लिखने जा रहा हूं, लिख आ गया आपको, चलिए मैं लिखता हूं इसका पहले लिख देता हूं, बताओ कितना आई वाई कितना लिखूं इसका 2/5 में बार इसका ठीक लिखा मैंने, तो भाई सेंटर से पास करने वाला हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की उसको सेम ही होता है, तो ये बात हो गया, ये बात ये दोनों का प्लस, अच्छा इसका लिखने जा रहा हूं तो इसके अबाउट कितना है, तो पैरेलल यहाँ पे आता है, लिखना इसके अबाउट है तो पैरेलल यहाँ पे आता है, कितना लिखूं बता जल्दी से 2/5 a r2 इसे आईसीएम कह रहा हूं, और लौट जाओ यहाँ पे बताना इसके अबाउट कितना है प्लस mt2 सही है, अब गुणे दो कर दूं, गुणे दो क्यों, जैसा ये है y के लिए वैसा ये भी है, कितना हो जाती होता हाँ 16/5 a r2 16/5 a r2 जल्दी से आईसे बताओ, तो आईसे बता दो 31/5
चलो इसको मैं लिखने जा रहा हूं यहां से, अब तो डिस्टेंस निकल गया है। ये देखो जेड ये है, जेड ये है, पैरेलल मैं यहां पे जाना चाहता हूं और लिखने के बाद लौट जाना चाहता हूं। तो पैरेलल जब वहां पे गया तो बताओ कितना लिखूं, 2/5 mr स्क्वायर ठीक है ना दोस्तों। अच्छा फिर से मैं, क्योंकि फोटो हमारे पास बोर्ड 2D है, 2D में ही लिखना है और बात 3D की हो रही है, तो ऐसा ना हो कि आप इसे रिंग समझे, तो एक बार फिर आते हैं कहते सर एक बार पता नहीं क्या लिख देते हैं, एक बार पता नहीं क्या लिख देते हैं। एक बार रिंग वाले तो ये वाला MR स्क्वायर होता है और ये वाला अलग जाता है ना, तो ये सॉलिड इस पे तो सब सेम ही होता है, सोचोगे तो भी लग जाएगा। तो ये क्या है 2/5 mr² + mt² ये ऊपर वाले का है ठीक है। अच्छा इसका देखिए, इसके अबाउट इसका लिखना है, तो इसके अबाउट पैरेलल यहां पे आ रहा है कितना बताओ, 2/5 mr² + लौट जाओ ना, इसके अबाउट आ गए तो यहां पे लौटू ना प्लस mt² करके बोलो इनटू 2 वाई इनटू 2 ये भी तो वही है, कितना हुआ 31/5 mr². अच्छा देखो क्वेश्चन कठिन कैसे बनता है, जिसको तुम अटेम्प्ट कर कर पाते हो प्लानिंग के नाम पर। इमेजिन करो कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट पूछ ही नहीं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि सब ये चार बॉल सॉलिड स्फीयर बॉल बियरिंग्स वेल्डिंग है, वेल्डेड है, और कहा जाए कि ये ऐसे बांध के आप होल्ड करके x के अबाउट नचाया जाए, इनको y के अबाउट नचाया जाए और z के अबाउट नचाया जाए। तो बताना है कि हमको रोटेट कराने में सबसे ज्यादा दिक्कत कब महसूस होगी, हमको हम भी बताना है ना, तो बताना है किस में दिक्कत होगी, निकल गए हैं निकल रहा नहीं, तो ऐसे कैसे बता लेते। तो ऐसे में इमेजिन करो कि किसके अबाउट हमें दिक्कत होगी रोटेट कराने में, इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन क्योंकि पूछा था नहीं डायरेक्ट, वो तो कह रहा दिक्कत किस में होगी, तो फिर इतना दिक्कत में आ गया कुछ नहीं हुआ सर ढेर दिक्कत है, दिक्कत तो यही है कि दिक्कत क्या है ही सोचा ना, कैसे दिक्कत होगी ये नहीं समझ में आता है। तो कई बार हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और हमें सोचना होता है कि क्या करना है, तो ये समझ में आया आपको। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रैक्टिस था वो हो गया। अब अपने दिमाग में रख के दो पार्ट में रहेगा, एक तो अलग अलग शेप वाला अलग अलग जो जानते हैं तो सबका अलग अलग लिख के जोड़ देंगे, और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलग अलग के लिए लगा के जोड़ेंगे, सेंट्रल मास पूरे कंबाइन कर ही लिख लेंगे ठीक है, ये लिख लेंगे। अच्छा वैसे करेंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी कि सेंट्रल मास निकाल भी लोगे मेहनत करके तो एमटी स्क्वायर लिखने के लिए तैयार हो, आईसीएम तो दिक्कत ढेर हो जाएगी, तो फिर तो नया निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो लेकिन आएगा वही, ये भी अच्छा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आएगा वही, अब पेज लगेगा 2-3 पेज दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आएगा लास्ट में, यदि यदि लास्ट में वो ना आए तो या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है तो फिजिक्स फेल, क्योंकि वो दूसरा हो नहीं सकता है, फिजिक्स फेल हो नहीं सकता है, तो आप ही फेल करें वो कैलकुलेशन में। तो क्या लिखा है ब्रो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेट, प्रस्तुत हो गया।
सही है हाँ
कि कई बार हर जगह हम लोग किसी लीनियर में x पे dx मानने के बजाय अच्छा मान भी लोगे पता नहीं चलेगा तो, लेकिन एक्सप्रेशन की शुरुआत हमेशा वो फंडामेंटल से करना। जैसे जब di dot टाइप कर दिया गया है तो पहले लिख देते हैं ना, बताओ di dot रो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के मोड को क्या लिखूं, m l l कितना है जल्दी सो क्या ही दिख रहा है आपको? तो x और dx मानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बाकी dm के अलावा तो वेरिएबल है नहीं ना, इसका फायदा हो गया। तो इसीलिए सीखो कि कई जगह हमें पहले छोटा सा एक्सप्रेशन फंडामेंटल फॉर्मूला लिखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है जरूरत ही नहीं। जैसे यहाँ पर क्या बाहर आ गया बताओ, a स्क्वायर वेक्टर बाहर आ गया जो सारे रॉड के लिए था, और समेशन किसका हो गया dm dm, कट रॉड है इनफाइनाइट, और सारे रॉड को ऐसे चलाओगे तो पूरा मास सेम हो जाएगा और आंसर है m a स्क्वायर वेक्टर, सही है। सिमिलरली iy निकल iy iy के लिए फिर से y पे dy मानने की जरूरत नहीं है, अच्छा x के बॉर्ड निकालने के लिए तुम ऐसे भी रॉड मान सकते थे, तुम ऐसे भी रॉड मान सकते हो, लेकिन कठिन करते जा रहे हैं, छोटा छोटा dx लंबाई का dy चौड़ाई का एलिमेंट भी ले सकते, डबल इंटीग्रेशन लगाना होगा, तो छोटा सा एलिमेंट ले लो टेढ़ा रॉड मान लो, ऐसे रॉड मान लो और ऐसे रॉड मान लो, सबसे सेम आएगा सही करोगे तो, और x के बॉर्ड में बता रहा हूं ये वैसे ये बहुत कठिन नहीं है, ये वाला भी ठीक है कठिन, ये वाला ऐसे होगा जबरदस्ती कठिन बना रहे हो, नहीं तो ये वाला थोड़ा कठिन होगा, इसे x के बॉर्ड बता दो अभी, y के बॉर्ड नहीं x के बॉर्ड ऐसे लिए होते रॉड तो भी सही आता, ऐसे लिए होते तो, है ना। लेकिन उसमें हम लोग को लग रहा है कि x पे dx मतलब y पे dy मानना पड़ता है, कितना फायदा हुआ इसमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एनीवे सो इसके लिए क्या करें, फिर से अगेन di dot क्या लिखूं बताओ, y के बॉर्ड इस बार y के बॉर्ड बताओ, मैं क्या बात किया आप लोग समझ में आया, मैं ये कह रहा हूं कि x के बॉर्ड जो निकाल चुके हैं उसके लिए हम ऐसा रॉड ना लेकर ऐसे लेते तो भी आता, थोड़ा कठिन हो जाता और मास पॉइंट एरिया मानना पड़ता, y पे dy जैसे मानना पड़ता तो थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन आता इतना ही आता इतना ही। हाँ y के रॉड के लिए ऐसे भी रॉड मान सकते थे, लेकिन ऐसे मानने में बहुत आसान होगा, क्यों आसान होगा, क्योंकि रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बिहेवियर हम जानते हैं ना, इस रॉड के लिए कैसा है बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी का फायदा भी जाता है, क्या लिखो बताओ, dm तो मास है, लंबाई कितनी है b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो b स्क्वायर बाय 12 बाहर आ गया समेशन ऑफ dm dm और आ गया m b स्क्वायर बाय 12, जल्दी से i z बताओ इसका, i x प्लस i y और कितना हो जाएगा m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12, क्यों इसको क्यों लगा पाए, क्योंकि इसकी ब्लैक स्ट्रक्चर था, 2d बॉडी थी, 2d बॉडी। अच्छा ये बताओ जल्दी से, ये रहा प्लेट b लंबाई का a चौड़ाई का, यदि हम लोग क्यूबॉइड बना दें ऐसे करते हैं बॉक्स का बन जाए, बॉक्स सॉलिड बॉक्स क्यूबॉइड ऐसे, तो यदि मैं आई जेड आपसे पूछता तो क्या होता बताओ, यही आंसर जानते हो क्यों यही आंसर है, क्योंकि जिस एक्सिस के लॉ आप एक्सटेंड करते हैं जिस एक्सिस के लॉ बदलता नहीं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब यदि क्यूबॉइड होता इधर एक्सटेंड किया हुआ तो यही आंसर है जेड वाला, लेकिन
एक्स और वाई वाला नहीं है, एक्स और वाई वाला नहीं। क्यों नहीं है एक्स वाई वाला? क्योंकि एक्सिस ये है तो इसके अलॉन्ग एक्सटेंड कर दे रहे हो तुम, तो इसके अलॉन्ग कर दिए हो, तो इसके अलॉन्ग देखो देखो बाकी के अलॉन्ग बोल देगा। अच्छा इसके अलॉन्ग नहीं बदलता है, जब आप इसके अलॉन्ग करते हैं तो इसके अलॉन्ग भी नहीं बदलता है और इसके पैनल जितने भी अलॉन्ग नहीं बदलता है। क्या इसके अलॉन्ग बदल जाएगा? नहीं, पैरेलल पैरेलल वाला नहीं बदलता है। लेकिन एक्स वाला तो बदलेगा ना, पैरेलल थोड़ी है। एक तो एक पॉइंट है, दूसरा ये वाला जो आया था इससे भी छोटा करते हैं, जानते हो कैसे? ये एक्स है ना, तो इसको क्या कर दो बंद कर दो, क्योंकि मैं तो एक्स के लॉन्ग ही कंप्रेस कर रहा हूं ना भाई, एक्स के लॉन्ग कंप्रेस और एक्सटेंड करने में बदलता तो है नहीं, तो वो तो ऐसे करोगे तो रॉड बन जाएगा। कितने कितना लंबा रॉड बनेगा? ए लेंथ का, और एक परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ही रहेगा, तो बिना इंटीग्रेशन की भी सोचा जा सकता था वो कंप्रेशन और एक्सटेंशन करके, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो वैल्यू कितना आएगा? m² / 12 ओके। अच्छा इसको कैसे भी सोचा जा सकता था, चटाई की तरह मोड़ लो इसको, फोल्ड कर लो तो एक, इसलिए मैं एक्सप्रेस कई लोग जब मैं इसलिए मैं चटाई बोल दिया ना, क्योंकि ऐसे करने का सर कैसे है तो लो ऐसे ठीक है। तो अच्छा इसके अलावा बताना होगा क्या करोगे? इसके अलावा बताने के लिए ऐसे दबा दोगे तो एक रॉड बन जाएगा। कितना लंबा रॉड बनेगा? अब बदलेगा तो है नहीं एक्सटेंड, यही नहीं बल्कि इसके अलावा ये तो b रहे y के बाद इसको a की जगह 2a कर दोगे तो भी नहीं बदलेगा, और कम करके 0 कर दोगे तो नहीं बदलेगा। तो कितना वैल्यू है? रॉड बन जाएगा, उसके लिए परपेंडिकुलर बाईसेक्टर y है, और वैल्यू कितना आएगा? m² / 12 समझ में आया? इसको जल्दी से रिड्यूस करो, केस बनाओ फॉर स्पार्क ले जल्दी स्क्वायर करो
ये पूरी x take along m square by 6 answer m square by 12 take along take along आधा का भूल गए तुम जो जानते हो m स्क्वायर बाय 12 वो यूनिफॉर्म रॉड के लिए है और जब ऐसे दबाओगे ना तो यूनिफॉर्म बनेगा। अच्छा सही तो है, मतलब जो रॉड बनेगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सही, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। कौन सा वाला सोचो कि लंबाई ये होगी और m स्क्वायर बाय 12 बताओगे ये पर पेट्रोल बाय सेक्टर होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा इकट्ठा होगा, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ये समझना है क्या आप लोगों? अरे यहाँ पे कम ही नहीं इकट्ठा हो गया, यहाँ तो ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। पर सच तो है, ठीक है, लेकिन आप जो सोच रहे हो नहीं, मुझे थ्योरी है कि जिसके लॉन्ग कंप्रेस एक्सटेंड करते हैं वो तो वो ठीक है, तो एयर निकाले दूसरे तरीके से निकालना होगा, ये कंप्रेशन और प्रेशर से तो नहीं होगा। आइए साइड पर बी कैन बी एम एस पर बैठ कर आ रहा है। चलिए इसको देखिए, तो सभी लोग देखिए इसको ध्यान से, ये सेंटर है, देखो सभी लोग देखिए ध्यान से, इसको ए डैश मान लेता हूं ना, डायगोनल को देखो, तो आई ए प्लस आई ए डैश बराबर आई से, ठीक लिखा देखो तो आई ए प्लस आई ए डैश बराबर आई से, क्यों लगा पा रहा? क्योंकि प्लेट है, स्क्वायर प्लेट लगेगा, सिमेट्री से साफ दिख रहा है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। yes, बोलो तो लिखता हूं, तब तो आंसर आ गया। देखो ना I प्लस I बराबर I से हम लोग किसकी सहायता से निकल रहे हैं, x y से। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब I z हम लोग x और y से निकाल रहे हैं, और I z को कहां यूज कर रहे हो? देखो नया यूज कर रहे हैं, बताओ I z क्या है? m स्क्वायर बाय 6, यहां से i क्या मिला होता? m स्क्वायर बाय 12 हो ये लिखा, तो इसका मतलब i इसके इसके अबाउट भी कितना है? m स्क्वायर बाय 12 है, और इसके अबाउट भी कितना है? m स्क्वायर बाय 12 है, और इसके अबाउट कितना है? m स्क्वायर बाय 12 है, और y के अबाउट कितना है? m स्क्वायर बाय 12, सबका m स्क्वायर बाय 12 है। देखो कितने लोग b के अबाउट बताते हैं, b के अबाउट m स्क्वायर बाय 12, m स्क्वायर बाय 12 कैसे जैसे अभी निकाला अगेन से। ये देखो ये पॉइंट है ना, जो b लिया गया है वैसा ही मैं एक और लेता हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये x है ना, तो ये भी x है, उसी तरह कर लिया, उसी तरह मान लेते हैं b डैश है, तो बताओ जैसा b के अबाउट है वही इसके अबाउट भी है कि नहीं? देखो तो सिमेट्री है कि नहीं, दिख रहा है सिमेट्री आप लोगों? जो b दिख रहा है वैसा ही b डैश भी दिख रहा है, इसलिए फिर से यहां पर b और b डैश
दोनों को जोड़ने पे जेड देगा कि नहीं बताओ? हाँ, और जेड जानते भी हो, दोनों को आई लिखना सही है कि नहीं? सही है। और जेड वाला जानते हो, फिर से हो गया। यहां से पता चला, यहां से हम लोग ये मालूम चला कि ये जो स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट, यहां से आइडिया लगा कि जो स्क्वायर प्लेट है एक्सिस का है, जो ले लो एक्सिस ये ले लो, 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 सबका सबका कितना है बस कहां से पास होना चाहिए, अब किस प्लेन में होना चाहिए, उसी प्लेन में होना चाहिए। फिर से सुनो ध्यान से, ये रहा स्क्वायर प्लेट, ये तो सेंटर से पास करता हुआ कोई भी एक्सिस उसी प्लेन में हो तो आंसर कितना होना है, एम ए स्क्वायर बैठे। लेकिन सेंटर से तो तब भी पास करेगा जब एक्सिस ऐसे हो, पर वाला नहीं किसी के बोलते एम ए स्क्वायर बैठे। तो एक क्वेश्चन घर असाइनमेंट है आपके लिए, देखते हैं कितने लोग का क्या देगा। ये है स्क्वायर प्लेट, ये है एक्स एक्सिस, और प्लेन से आउट थीटा एंगल पे, प्लेन से थीटा एंगल पे बना हुआ ये एक्सिस है, और बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसके बारे में। सब क्वेश्चन समझना है। ये रहा स्क्वायर प्लेट, और सेंटर से पास करता हुआ ये एक्सिस है, ये वाला तो जान गए हम लोग एम ए स्क्वायर बाय 12, ये वाला जान गए एम ए स्क्वायर बाय 12 है, आधा टेढ़ा सब एम ए स्क्वायर बाय 12 है, लेकिन उस प्लेन में रहेगा तब ना। देखते ये हम कुछ खासे रिसर्च क्या ही होगा, ये साइंस है, ये शायद ना कभी नहीं आएगा, लेकिन ये देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं, आप सोच पाते हैं। तेरा समझ में आया? जल्दी से देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। रेक्टैंगुलर प्लेट का डायगोनल के बढ़ते हैं, कम ऑन वेरी फास्ट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टैंगुलर प्लेट अबाउट इट्स डायगोनल। ये वाला लिख लेना ऐसे फोटो बना के, सब वैल्यू लिखना, एम ए स्क्वायर बाय 12, एम ए स्क्वायर बाय 12, एम ए स्क्वायर बाय 12, ऐसे लिख लेना, अच्छा लगेगा भाई दूसरों को देख, थोड़ा घबराना किसी की कोई देखे स्मार्ट नोट्स को, फिर तो देख के टिक कर के सुदर्शन चक्र में आ गया। आपके पास टाइम है बताने के लिए आधा मिनट, 10 मिनट, ये है दिक्कत इस बात की, अच्छा
इस बात की भी दिक्कत नहीं है कि यदि इसको a माना जाए डायगोनल को और इसके परपेंडिकुलर इसको क्या माना जाए c माना जाए, बिल्कुल सही है। आई ए बराबर आई सी बराबर आई जेड सही है, आई जेड जानते नहीं हम लोग, ये वाला आई ए प्लस आई सी बराबर आई जेड, आई जेड लिख भी लिख दिया लेकिन लिख के बैठे रहो ये आ थोड़ी जाए, दोनों अलग अलग। अच्छा जिस तरह हम जो सेम सोचे ना ये होगा कि दोनों सेम है सिमेट्रिकल, पर आई ए प्लस आई बी आई जेड है नहीं, क्यों आई ए प्लस आई सी बराबर आई जेड है क्यों जानते हो ना, तो लिखे ना ए और सी कैसा चूज किया हूं नब्बे डिग्री तो सही है, पर दिक्कत किस बात की है, नब्बे चूज किए और सही है, जब सही है तो आई लिख पाया लिख के बैठे रहे, और जब आई आई सिमेट्रिकल आया तो नब्बे डिग्री नहीं रहा और तब लिख नहीं पाए। ऐसे नहीं कर सकते ना कि आई प्लस आई, आई प्लस आई बराबर आई जेड, ये नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, नब्बे डिग्री नहीं है ना। अच्छा कई लोग तो इसको कम फील कर पाते हैं, कर सर कम फील हो रहा है कैसे, नब्बे डिग्री नहीं है, हमको साफ दिख रहा है तो जिनको साफ दिख रहा है उनके लिए मैं फोटो मार देता हूँ, ये है टाइम ना, ये रहा डायग्राम, अभी भी साफ दिख रहा है क्या, कितना दिख रहा है अभी भी, नब्बे डिग्री दिख रहा है। वो जो बताया था ना भाई बोला जल्दी कर रहा बड़ा तो आपको ये समझ में आया, तो घर से एक और असाइनमेंट क्या मिल गया आपके लिए, आपको बताना है ये वाला, ये आई जो डायगोनल है इसके अबाउट बताना है, और ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, फंडामेंटली करना होगा ये। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा हाँ इससे पहले कि हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स से शायद शिफ्ट हो, आप बिल्कुल ये लिख लीजिए ये वाला, ये सॉलिड क्यूब है और यदि आप इसके सॉलिड क्यूब इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सॉलिड क्यूब साइड थे सॉलिड क्यूब है, क्यूब जो आप लूडो खेलते होंगे क्यूब है, ऐसे ऐसे स्लिप करा दिया, आई थिंक मैम ने बच्चों से नहीं होता जरूर पूछते हैं आगे, ये देखो यहाँ पे पेग हुआ, ऐसे क्वेश्चन फोटो तो ऐसे बना था सॉलिड क्यूब का दिया था और ये ऐसे है ना, ये सॉलिड क्यूब था और यहाँ पे खूंटी थी, इसको वेलोसिटी दिया था, स्मूथ सरफेस था और इसको का दिया था वी नॉट ना साइलेंट थे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है लोगों से नहीं आता है और मैं इसको इतना डिटेल में डिस्कशन करता हूँ कि डेढ़ घंटा केवल सॉलिड क्यूब पे चला जाता है टकराने पे, इतना डिस्कशन तो कोई करता नहीं उसे। तो क्वेश्चन क्या था, जो ऑब्जेक्टिव पे था क्वेश्चन ये था कि जब आप कोई चीज ऐसे सरकाएंगे सॉलिड क्यूब ऐसे और वहां पे किल निकला हुआ है तो उसे लड़ते ही लुढ़क जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हैं आप, लगेगा और लुढ़क जाएगा। क्वेश्चन ये था कि वी नॉट से जब सरक रहा था तो उसे लगते ही ओमेगा वाला है और तब तक ओमेगा नहीं निकाल सकते, मतलब ध्यान से सुन नहीं रहा, इसी में ये वेट कर रहा था कि जैसे कुछ इस तरह का ऐसे करूं तो वाह हो गए क्या? हाँ तुम तो नहीं है ना, दूसरे वाले में ना, सुनो इधर तो आपको बताना है क्वेश्चन कहीं बात में, क्योंकि एंगुलर मोमेंट में सब लोग नहीं पढ़े हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़े होते तो कुछ भी नहीं कर पाते,
ये वाला नहीं होता, कितना एंगुलर मोमेंटम पड़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है, सॉलिड क्यूब का फेस फेस फ्रंट फेसेस के सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट बताना है, वन एज के अबाउट बताना है, और बॉडी डायगोनल के अबाउट बताना है, और फेस डायगोनल के अबाउट। राइट डाउन फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड क्यूब, आप मास है मैं साइलेंट है, फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ मास एम एंड साइलेंट ए अबाउट एन एक्सिस passing through pala part passing through pala part centers of parallel faces parallel face of front face hogi kyun पैरेलल फेस ही होंगे हमें सामने वाले फ्रंट फेसेस कर लीजिए चाहे पैरेलल फेसेस कर लीजिए सो सेंटर्स आर पैरेलल फेसेस दूसरा वन एज पासिंग थ्रू वन एज तीसरा फेस डायगोनल पासिंग थ्रू फेस डायगोनल लास्ट सबसे कठिन बॉडी डायगोनल ये वाला तो किसी किताब में शायद ना मिले ये वाला लास्ट वाला और ये करेंगे तो माथा इतना गर्म हो जाए कि माप जा सकते बहुत दिक्कत है इसमें प्रकाश से धुआं निकल जाएगा पानी उन्हें बर्फ बर्फ लगा के पकड़ी बांध Thank you.
कंप्रेस कर दोगे तो स्क्वायर प्लेट बनेगा और होगा आई की वैल्यू है इसके अबाउट एट ए स्क्वायर बाय सिक्स। ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग ना? अच्छा ये इमेजिन इसके अबाउट कैसे? अच्छा हाँ ये डोली पार्टी और अंदर क्या होता है ऐसे अंदर दुल्हन लड़ बैठे रहते हैं फेस डायगोनल वाला तो सेंटर से नहीं पास कर रहा है ना? नो सर।
स्पेस डायग्राम का सेंटेंस नहीं पास कर रहा है तो दिक्कत है, वो वही मत बोल देना है तो ये तो करने के सर आप ही तो बताए थे कि किसी के अबाउट एम एस का बेसिक्स होता है। अच्छा वो छोड़ देते हैं, सेंटर से पास होना चाहिए, पूरा छोड़ देते हैं तो वो रहना चाहिए ना, तब ना एम एस का बेसिक्स होगा। अच्छा एज वाला भी एम एस का बेसिक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि वो भी तो सेंटर से पास नहीं कर रहा था, सेंटर से पास भी तो होना चाहिए।
देखो इस प्लेट को मैं लिख रहा हूं I is equal to DI इसके बाद तो D ले रहा हूं इसके बाद x डिस्टेंस पे है ये इसका अपना इसकी वैल्यू पूरी लिखते लिए पहले सेंटर मास से पास कराएंगे और फिर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका पहले लिख लीजिए कैसे लिखेंगे देखो dm मास है इसका देखो dx थिकनेस माना हूं dm मास माना हूं dI इनर्शिया माना हूं सब d तो लिखता हूं dm मास है स्क्वायर प्लेट है इसका अपना जो सेंटर से पास करता हुआ इसी के पैरेलल है उसकी वैल्यू कितनी है m स्क्वायर 12 m स्क्वायर बाय 12 प्लस mt स्क्वायर m स्क्वायर बाय 12 प्लस mt स्क्वायर समझ में आया आपको ये मैं अभी di लिखा हूं प्लेट का जो माना हूं x डिस्टेंस पे ये इसी को चलाना है जीरो से लेकर ए तक इस तरह के बहुत सारे प्लेट्स होंगे पैटर्न पैटर्न ऐसे तो मैं ये पूरा लिख दिया हूं एक जनरल प्लेट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी डायग्राम के अबाउट ही लिखा इंटीग्रेट कर देता हूं मैं तो ले जीरो टू ए डीएम क्या लिखूं बताओ ए स्क्वायर बाय 12 तो है डीएम क्या लो मास टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम into area इसका स्प्लिट का एरिया होता तो a स्क्वायर dx सही है बोलो प्लस mt स्क्वायर dm है पर तो dm कितना कैसे लिखेंगे m by a cube a स्क्वायर dx फिर से dm है into x स्क्वायर from 0 to a from 0 to a जल्दी से इंटीग्रेट करिए आप लोग यही है फंडामेंटल सी कदम है माना कि हमें ये नहीं मालूम था कि सेंटर से पास करते हुए किसी भी एक्सिस का एम स्क्वायर बाय 6 ही होता है सेम आ रहा है इसका मतलब सही था तो स्टेटमेंट हो इसको डीएम लिखना है डीएम लिखा हो जल्दी तो डीएम वो प्लेट आ रहा है सिर्फ इसका मतलब ठीक है तब वही आ रहा है a square by 3 sin square theta
क्योंकि वही वाला फिर से थीटा सर m बाय स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर थीटा की cos पर दे रही है, इसको भी दिक्कत हो सकती है बाय 3 तो रहेगा ही ना, तो sin इसलिए रहेगा ताकि थीटा 0 करे तो 0 हो जाए, जब ऐसे करोगे तो इसी पे हो जाएगा सब मास 0 दूरी पे हो जाएगा है ना, और थीटा 90 का कितना होना चाहिए m बाय स्क्वायर बाय 3 होना चाहिए, तो पता चल गया आंसर है आई ए एम एल स्क्वायर बाय 3 एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा आई। अच्छा इधर वाला थीटा दे दिया होता तो क्रॉस स्क्वायर थीटा होता, तो क्रॉस चेक पे आप ध्यान दे सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं होगी कि इन्हें अच्छा रखना नहीं, ऐसे सुबह चार बजे के जब लॉर्ड के साथ थीटा होता है तो साइंस का थीटा होता है, लॉर्ड के साथ थीटा होता है वहां भी पता चलेगा जब एग्जाम जाओगे ना, जब ये भी रट रहे हो तो कितना रटोगे, जब ये भी चीज रटने रहे तो दिक्कत जाएगी, तो ज्यादा अच्छा है कि क्रॉस चेक वाला केसेस आपको आना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें तो याद रख नहीं सकते। टाइम नंबर ऐसे मत बोलो सर, मैं ज्यादा हो गया सर, मान आया भी हूं मैं 45 डिग्री और 60 डिग्री स्क्वायर पे थोड़ा भूल गया मैं, सुधर दीजिए आप और एक मिनट आइए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर प्लेट का 145 डिग्री होगा या तो 60 डिग्री होगा, वो आसान नहीं करिए आसान नहीं गलती होने का पूरा चांस है, गलती होने का चांस है, देखते हैं
और अच्छी बात है कि हम लोग आज पता चल चुका है कि कितना ही होगा, लेकिन तुम सोच रहे हो कि दूरी ये है तो सही नहीं है, ये दूरी है ना, ये दूरी है। अब ये कैसे निकले, दूरी है ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, अच्छा ये 30 डिग्री और ये 45 है, ये 45 है ना, ये वाला 45 है और ये वाला 30 डिग्री है, तो मिला के कितना हो गया 75 और ये वाला 15 डिग्री, तो ये वाला 15 डिग्री है और ये वाला 75 डिग्री है, तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस मालूम है, ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला a/2, तो हम कह रहे हैं कि इसको तोड़ सकते हैं 45 प्लस 30 करके, है ना, तो ये दूरी कितनी होगी, जो आप डी दूरी है, डी की वैल्यू है जिसे हमें चाहिए, डी की वैल्यू है a/√2 का साइन 75 सही है, ये वाला कोई और तरीका है क्या इससे छोटा, हम लोग इतना यही इससे ज्यादा तो इससे छोटा नहीं लगता है, कोई और सवालों को दूरी मिल जाएगी, ये a/√2 है, ये √2 है, ये a/√2 है, ये 75 डिग्री है, तो अच्छा ये 90 डिग्री है, तो ये a/√2 का ये cos होता है और ये sin होता है, सर d की वैल्यू आएगी √3 + 1 a/4 कितना, √3 + 1 a/4 √3 + 1 कल सर ट्यूसडे चलिए है सर।